आपकी इस हक में है, जंग होनी चाहिए कश्मीर की। बिल्कुल, कश्मीर के मसले पर मोदी की टांगों के नीचे से जमीन निकालनी चाहिए। वैसे तो उन्होंने आर्टिकल 370 हटा के बेशक गुस्सा लगे, लेकिन हमारी टांगों के नीचे से जमीन हटाई है। 370 ये जो भारतीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला मैंने सुना है, सबसे बेहतर बात उन्होंने की है, जंग धोया ये कश्मीर मिलेगा कैसे, हमें जंग से मिलेगा। तो पहले तीन जंगे हो गई हैं। वो कोई मसला नहीं, इंडिया की ऐसी ऐसी जो वजीर आजम ने कहा ठीक है, ठीक है, हमें कश्मीर चाहिए, कश्मीर चाहिए हमें। जंग के अलावा तो और कोई हल है नहीं, प्यार से तो उसने देना नहीं है। अच्छा, हम इन जंगे करके भी देख ली है, जंग तीन छोड़ो कि हम 500 जंग करने भी अड़ेंगे ना, तो फिर भी हम करना करेंगे ना। जंग के लिए चाहिए क्या होता है? जज्बा, जज्बा, जज्बा। अच्छा, मैं आपको कहता हूँ कि ये कोई खंबा है या कोई पिलर है या ये जज्बे से ये रिक्शा उठा के दिखाए मुझे जरा। ठीक है जी, उठा दिया। ओ यार, ये जंग भी हो ना, किसी बहादुरी का देख, हमारी जानों का जज्बा देख, ये रश्का उठाने का क्या जज्बा आया। 1971 की जो जंग हुई थी उसमें जज्बा नहीं, बस मोदी मुर्दाबाद। ये वीडियो जब वहाँ के लोग देखेंगे तो वो क्या मोहब्बत बनाएंगे या नफरत? ओ यार, उन लोगों को छोड़ो, वो हिंदू हैं, वो पाकिस्तान के साथ कभी अखलाक से पेश नहीं आ सकते। जी यही सोच तो हम बदलना चाहते हैं। पाकिस्तान के आइटम अगर तो किसी की शादी के लिए बना हुआ है, किसी प्राइम मिनिस्टर के बेटे की शादी पे चलाना ना, फिर हम कहते हैं ये तो बना उस काम के लिए, ये बना मुल्क के दिफा के लिए, इसको चलाएं, चेक करें, ये ना हो इसको जंग लग जाए, कल को हम चलाएं, ये चले ही ना भाई, इसको ट्राई करें व्हाइट हाउस के ऊपर फेंकें, एक मोदी के घर में फेंकें, पता लगे कि हमारे पास ताकत है। अमेरिका से नफरत नहीं, चाइना से उतनी नफरत नहीं, किसी से नफरत नहीं, इंडिया से नफरत। चले फिर, आपकी बात का जवाब ये है, मोदी को जाती उम्र में बुला के 43 खाने जो खिलाए थे नवाज शरीफ ने, कितने खाने? 43 डिशे वहाँ पे मौजूद थी। तो फिर मोदी का बड़ा काम है ना कि वो आए। मेरी बात सुन ले, आप कोई पाकिस्तान की किसी मस्जिद में आके अटैक करता है, किसी मजार पे करता है, किसी मजलिस में करता है, तो वो कहे जी ये तो मुसलमान दहशत गर्द है। उस बेशरम को ये पूछे कि अगर मुसलमान दहशत गर्द है, जहाद तंजीमें जो है इंडिया कहता बकवास करता है या अमेरिका करता है, अगर मुसलमान दहशत गर्द है तो क्या वो अपनी मस्जिद अल्लाह के घर में धमाका करेगा? ये नहीं हो सकता। इंडिया की मस्जिदों में क्यों नहीं अटैक होता? कोई एक बता दें कि भाई उसमें अटैक, मैं उसमें हमला। मैं उसका जवाब दे रहा हूँ, अगर आर्मी चीफ साहब ये ऐलान कर दें कि हम जहाद के लिए तैयार हैं, तो मेरे जैसे लाखों करोड़ों नौजवान इंडिया, नहीं मेरी बात, इंडिया का बात तो नहीं करना है, मैं कश्मीर की बात करने आया और इनवारुल हक का बात की है। अच्छा, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है उनकी बात कर रहा हूँ। अच्छा, मुझे सबसे पहले बताएं कि उन्होंने ये बोला है कि 300 जंगें करनी पड़े इंडिया से कश्मीर के लिए तो भी पब्लिक करेगी। तो जंग के अलावा तो और कोई हल है नहीं, प्यार से तो उसने देना नहीं है। अच्छा, हम इन जंगे करके भी देख ली है, जंग तीन छोड़ो कि हम 500 जंग करने भी अड़ेंगे ना, तो फिर भी हम करना करेंगे ना। एक दफा पहले मोस्टली जो पब्लिक यहाँ पे मौजूद है उनसे पूछते हैं, भाई जान जंग के लिए तैयार हैं आप इंडिया से? इंशाल्लाह जरूर। जंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? हाँ जी, करनी चाहिए सर। जंग आप क्या कहना चाहेंगे? बस मैं एक कहना, नहीं करना पड़ेगा ना कश्मीर के। आप क्या कहते हैं भाई जान, जंग किसी चीज का? ये सबसे बेहतर बात उन्होंने की है, जंग धोया ये कश्मीर मिलेगा कैसे, हमें जंग से मिलेगा। तो पहले तीन जंगे हो गई हैं। वो कोई मसला नहीं, इंडिया की ऐसी ऐसी जो वजीर आजम ने कहा ठीक है, ठीक है, हमें कश्मीर चाहिए, कश्मीर चाहिए हमें। तो पहले तीन कर ली है, चौथी जितनी भी होगी कश्मीर मिला तो नहीं ना हमें। खान साहब यहाँ पे किधर गए हैं? खान साहब से भी बात करते हैं। मुझे ये बताएं, आप जज्बाती हो के हम स्टेटमेंट तो दे देते हैं कि भाई हम 300 करेंगे, क्या कोई इससे टेबल टॉक बेहतर नहीं है कि हम बैठ के बात करें? और दूसरे नंबर पे मुझे बताएं, कश्मीरियों से मोहब्बत है? अच्छा, आप ये बताएं, इंडिया प्यार से पाकिस्तान के आगे मान सकता है? नहीं, तो ऐसे पाकिस्तान मान रहा है, वो क्या कर रहा है? वो जाली जंगे लड़ रहा है हमें निभाने के लिए, कभी कोई प्रेशर डलवा रहा है इसराइल से, कभी अमेरिका से, तो इसलिए हम मुसलमान हैं। अमेरिका से कौन सा, इधर आ जाए, अमेरिका से कौन सा प्रेशर डलवा रहा है? हम तो खुद अमेरिका जा, अभी हमारा आर्मी चीफ अमेरिका में मौजूद है। वो सर, वो इसीलिए तो बुला रहा है कि ये क्या कर रहे हैं, ये इंडिया के आगे झुक जाए, इसराइल के आगे झुक जाए, ये पाकिस्तान की वाम मुसलमान, हम नहीं झुकेंगे जो। लेकिन मैं इस बात से नहीं एग्री खान साहब, आप गुस्सा ना करिएगा, मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ, लड़ाई वाली बात नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, देखिए जंग कोई हल है किसी चीज का? तो प्यार से तो उसने देना नहीं है। अच्छा, नहीं देखे, हमें कश्मीर में मांग नहीं सकता, छीनना पड़ेगा,
जो मर्जी हो जाए हम जंग लेना इसलिए है ना कि कश्मीरियों से प्यार है। हाँ, इसलिए अब मैं आपको बताऊं कि वहाँ पे वो स्कूल यूनिवर्सिटी कॉलेज बना रहे हैं, वहाँ पे उन्हें फैसिलिटीज दे रहे हैं, हम यहाँ पे उधर मेरी बात सुने, इंडिया में वो जो मर्जी करे। अच्छा। हाँ, वो दूध के नहरे पे बनाए या जो मर्जी करे, उधर तो मजहब का आजादी तो नहीं है ना। मजहब का आजादी हमारे पाकिस्तान में है, क्रिश्चनों को फुल आजादी है, हिंदू को भी फुल आजादी है, आजादी इधर है, उधर आजादी नहीं है। उधर मुसलमानों के साथ क्या क्या कर रहा है। इधर मैं आपको बताऊं, ये जड़ावाला का वाकया आपको याद है, ये क्रिश्चियन जो ऐसा क्या ये ठीक हुआ? अच्छा, आप ये बताएं, जैसा एक्शन पाकिस्तान ने लिया है, अगर इंडिया में ये होता मुसलमान के साथ वो करता नहीं? अभी आपको पता है बाबरी मस्जिद की भी मैं आपको बात बताता हूँ, वो बड़ा जी आपको आइडिया होगा कि पाकिस्तान में बताया गया ये हो गया वो हो गया, वहाँ पे उसके मुकाबले में बहुत बड़ी मस्जिद, पांच एकड़ पे वो मस्जिद जी वो बनाई जा रही है, इंडिया की सबसे बड़ी मस्जिद। सर यही तो ज्यादती है ना, वो हमें हर काम में लफाता है। हमने मस्जिद बनाना भी गलत काम, क्रिश्चियन बरादरी के वो तो एक हमें दिखावा कर रहा है, दुनिया को दिखावा कर रहा है। वो हम काम करें तो वो अच्छा है दिल से, वो तो दुनिया को दिखावा कर रहा है कि मैं मुसलमानों के साथ। आप ये बताएं, उससे ये बुरा लगा है जो पाकिस्तान की आवाम ने क्रिश्चियन बरादरी के साथ इखलाक से पेश आए हैं? हमारे वजीर आला पंजाब साहब ने बहुत अच्छा काम किया है, जो अच्छा काम करता है वो अच्छा ही होना चाहिए। माशाल्लाह। जंग के लिए चाहिए, एक मिनट के लिए मान लेते हैं कि एक मिनट के लिए कि जंग होनी चाहिए, जंग के लिए क्या चीज चाहिए होती है? जो होनी चाहिए वो हमारे पास है, क्या? सब कुछ है क्या? हमारे पास सबसे बेहतरीन आर्मी है। अच्छा। उसके पास जंगो सामान है, हमारे हाथ है, ये सब भाई को ये जंग लड़ने के लिए उसे में इधर हमारे पास खाने का रोटी नहीं है, खुद जंग के लिए हम तैयार है। इंडिया का जंग में ये जज्बाती स्टेटमेंट हम देते हैं और ये पहले भी 76 साल से देते आ रहे हैं, लेकिन तो हम करेंगे, इंडिया के साथ तो करेंगे। लड़ाई के लिए आगे होता है, थाने हम आगे होता है लड़ाई के लिए। यही एजुकेशन में अगर हम मुकाबला कर लें, टेक्नोलॉजी में बात कर लें, आपने ये खुद बोला कि खाने के लिए पैसे नहीं है लेकिन जंग लड़ेंगे, ये आपने बोला? हाँ हाँ ठीक है। अब मुझे ये बताएं, जब जंग स्टार्ट होती है तो वहाँ पे आपको पता है पीछे राशन भी चाहिए होता है आर्मी को, उसके अलावा पीछे असला भी चाहिए। हम हमारे आर्मी ने क्वार्टर रखा हुआ है इंडिया के लिए। हाँ है हमारे पास सब कुछ, हम इंडिया को ठिकाने लगा देंगे। हाँ ये तो थोड़ा सा मुश्किल वक्त आया हुआ है, इंशाल्लाह ये अब काम ठीक हो जाएगा। ये मुश्किल वक्त है ना, ये निकल जाएगा तो इंशाल्लाह पाकिस्तान पे अच्छा वक्त आ रहा है। ये देखे हमने सिख बरादरी से कितना अच्छा काम किया है, हम नारोवाल के हैं। अच्छा। हमने इमरान खान ने करतारपुर का तोहफा दिया उनको। अच्छा। इन्होंने नहीं, ये अच्छा काम है। मैं इन्होंने मुसलमानों को क्या दिया है वहाँ पे, मैं बता तो रहा हूँ, जो इंडिया की सबसे बड़ी मस्जिद। और यार भाई ये तो क्रिकेट के लिए, स्पोर्ट्स के लिए पाकिस्तान को वीजा नहीं दे रहे, हमने तो करतारपुर का तोहफा दिया है। इमरान खान इतना, आप जाकर देखे सब भाई करतारपुर के, नारोवाल की आवाम ने कितना प्यारा काम किया, तो ये तो आपको महसूस है। जंग के लिए चाहिए क्या होता है? जज्बा जज्बा जज्बा। अच्छा, मैं आपको कहता हूँ कि ये कोई खंबा है, ये कोई पिलर है, या ये जज्बे से ये रिक्शा उठा के दिखाए मुझे जरा। ठीक है जी, उठा दिया यार। ये जंग भी होता है, किसी बहादुरी का देख, हमारी जानों का जज्बा देख, ये रश्का उठाने का क्या जज्बा आया? 1971 की जो जंग हुई थी उसमें जज्बा नहीं, बस मोदीपुर मुर्दाबाद। देखे ये वीडियो जब वहाँ के लोग देखेंगे तो वो क्या मोहब्बत बनाएंगे या नफरत? ओ यार उन लोगों को छोड़ो, वो हिंदू है, वो पाकिस्तान के साथ कभी खलाक से पेश नहीं आ सकते। जी यही सोच तो हम बदलना चाहते हैं, इससे हमारा अच्छा, वो हिंदू है मुसलमानों के साथ अच्छा नहीं, अच्छा कर सकते? नहीं मुझे बताएं, हिंदू मुसलमानों के साथ अच्छा नहीं कर सकते? नहीं, ये नहीं कर सकते। 144 लाया हिंदुस्तान, जो पाकिस्तान की तरबियत पाकिस्तान में रह रहे हैं, ये हमारे भाई बहुत अच्छे हैं, उन्होंने पाकिस्तानी अवाम की तरबियत हासिल किया, वो देखे वो कितने अच्छे हैं, बस जो इंडिया के है ना वो नहीं आ सकते। सर देखे रिक्वेस्ट करते हैगा, ये हिंदुस्तान दे जो मुसलमान है ना हिंदुस्तान में जड़ा हैगा, उन दो तो उधर जुलम भी हो रहे हैं। अच्छा, एक दफे 144 लगा यार। शाहरुख खान को जानते हैं? हां जानते हैगा, सब जानते हैगा, कोई नहीं जानते हैं। आमिर खान को जानते, सब जानते हैगा। बड़ी बड़ी मूवीज है, इतना मतलब प्रोटोकॉल वो क्या कर सकते हैं? हम पाकिस्तानी को चाहिए कि हम आवाज उठाए और उसको इस बात का जवाब दें। मैंने जिंदगी में पूरी जिंदगी में खुदा की कसम मैंने उनकी फिल्म ही नहीं देखी, मैंने उनकी फिल्म पूरी जिंदगी में नहीं देखी।
मैं कसूंगा आपका। अच्छा। क्यों देखे ओ यार। अच्छा, आपने ये रिक्शा उठाया, जज्बा दिखाया, बड़ी जबरदस्त बात है। एक तो ये चार लोगों ने मिलकर उठाया एक चीज, और दूसरे नंबर पे मैं कहता हूँ आप अकेला भी उठा लें, अगर टेक्नोलॉजी हो दूर से ही आपको, मतलब ये लेट सपोज मिसाइल से, क्रेन से उठा दे। टेक्नोलॉजी कम है, एक मिनट में उनके तारे त्यारे तो है, वो छप हम जमीन पे ले आए हैं। ये से बेहतर तो 1971 में क्या हुआ था? ओ यार कभी कभी कबार हो जाता है। 65 में क्या हुआ था? 65 में हमने उनका इलाज ही किया। अच्छा यार, ये कैसी बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? ये रशीद। ठीक है, आपका नाम? मोहम्मद नाईम। सर ये बताएं, किसी मसले का हल जंग है या टेबल टॉक है? टेबल टॉक है। टेबल टॉक है। ये भाई कहते हैं कश्मीर के लिए 300 जंगें, ये प्राइम मिनिस्टर साहब ने बोला, इन्होंने नहीं सिर्फ बोला, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि 300 जंगें भी इंडिया से लड़नी पड़ी तो लड़ेंगे। क्या आप इस स्टेटमेंट से एग्री करते हैं? जरा जज्बाती होने की बजाय थोड़ा मतलब नॉर्मल रह के अगर आप। ये पहले बात तो ये है ना कि जंग का हल कोई भी मसला नहीं है, यही चीज़ है। जब अस्हाबे इकराम रज़ी अल्लाह अन्हु को जंग के लिए फुल रेडी थे और उनको ये पूरा यकीन था कि भाई हमने शहीद होना है, हमने जंग नहीं करना है, हमने शहीद होना है। अच्छा। तो तब भी अगर कुफार के साथ ऐसा कोई थोड़ा सा मसला होता कि भाई हमारा जो भी टॉपिक है हम बैठ के कर सकते हैं, मैं इस चीज़ से एग्री करता हूँ कि भाई देख। और फिर बड़ी बात ये है भाई, तीन जंगे पहले लड़ ली, किसका नुकसान? पाकिस्तान के पास जो आइटम भी है वो अगर रूस को देवे ना, अगर रूस को दो देवे पाकिस्तान पूरा अमीर बन जाएगा, पाकिस्तान पावरफुल अमीर बन जाएगा, एक एक बच्चा अमीर बन जाएगा। अच्छा, तो अच्छा, हम अच्छा, नहीं देते है ना, हम किधर आइटम हम दे सकते हैं? नहीं दे सकते। अच्छा आप बताएं। अच्छा गुजारिश ये, आपका मौजू बहुत अच्छा है। मेरा मौजू अच्छा है? आप कह रहे हैं कि जी जंग किसी मसले का हल नहीं है, मेरा ये अपना ओपिनियन है, मैं गलत हूं। मेरे भाई हैं, सबसे पहले बात है भाई जान, सुन ले सुन ले, कुछ काम होते हैं जो मजम्मत के साथ किए जाते हैं, कुछ काम होते हैं जिनकी मरम्मत भी ज़रूरी है। अब फलस्तीन में जो जुल्म हो रहा है, आप इस पे कहेंगे इन पे टेबल पे बैठे, ये सबसे बड़ी बेशर्मी वाली बात है। अनवार ये देखें, यही एजुकेटेड, मुझे भी मौका दें, एजुकेटेड ना होना या थोड़ा सा इंटरनेशनल लेवल पे जो चल रहा है उसे अवेयर ना होने का यही नुकसान होता है। आपने बोला कि फलस्तीन में जो चल रहा है उस पर टेबल टॉक करना शर्म से डूब मर रहे। बिल्कुल, मैं आपको बताऊं, हमास ये कह रहे हैं हम टेबल टॉक के लिए रेडी है, वो कहते हैं जंग पत नहीं करो। क्या जवाब मैं देता हूँ ना, हमास ने तो कहने की जब हम बेशर्म होकर बैठ गए हैं, सब मुस्लिम ममालिक जब बगैरत बन गए हैं हमारे समेत, आप मेरी बात नहीं, गैरत होती तो ये होता ही ना, 18,000 बंदे शहीद हो गए हैं, हमारे बच्चे को घर में एक कील लग जाए ना, सिर्फ कील लग जाए, हम भागते हैं हॉस्पिटल की तरफ, बच्चा हमारी गोद में, हम कहते हैं पूरी दुनिया मर जाए हमारा बच्चा बच जाए। आप देखिए अमेरिका इसराइल का साथ नहीं रहा। बिल्कुल, और फिर पाकिस्तान आर्मी चीफ से अमेरिका में मौजूद है। मैं कह रहा हूँ आगे कहना कि भाई आप इस, मैं इस बात का जो आर्मी चीफ अमेरिका इस वक्त मुस्लिम ममालिक का बाप बना हुआ है, जो उसको बाप मानते हैं वो माने, हम अमेरिका को अपनी जूती की नोक पे लिखते हैं। ये आप कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ ना, मैं पाकिस्तानी शहरी हूँ ना, मेरा हक है। शहरी कह रहे हैं, इधर ज्यादातर लोग यही कहेंगे। क्या कहेंगे? लेकिन अभी वीजे की बात करेंगे कि भाई कौन अमेरिका जाना चाहता है, सारे भागेंगे कि नहीं? ये जाहिर है, ये तो अमेरिका जाना को गुनाह तो नहीं है। और दूसरे नंबर पे ये हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब भी कहते हैं कि अमेरिका को अपने जूते पे रखते हैं। बिल्कुल कहा उन्होंने, वो तो कहते हैं अमेरिका के बगैर चल नहीं। बाबा फिर ये मान लेना हम उनके गुलाम है, फिर ये जहाद का ना, अब आर्मी चीफ साहब जनरल आसिम मुनीर साहब हैं, मैं सलाम पेश करता हूँ एक साल कारकर्दगी पर, जो अमेरिका गए, जो हाँ दौरे पे, मुझे पता है वो जो एक साल कारकर्दगी हमारे आर्मी चीफ साहब की, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ बहैसियत मुसलमान और पाकिस्तानी शहरी होने के नाते कि जनरल साहब, आर्मी चीफ साहब, आप अगर ये प्रोग्राम देख रहे हैं तो मेरा नाम फरहान कादरी है, लाहौर से मेरा तल्लक है, हम कोई गलत बात नहीं करेंगे, आप हमारे लिए काबिल एहतराम हैं, हमारे सिपाह सलार हैं, वो 9 मई वाले दहशतगर्द और हैं जिन्होंने ये हरकत की है। नहीं, आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? पैगाम मेरा ये है कि आर्मी चीफ साहब को चाहिए, पता लगा आप माशाल्लाह सैयदजादे भी हैं, आप हाफिज़े कुरान भी हैं, तो कुरान में आपने जो जहाद की आयतें पढ़ी हैं उनको ज़रा मुताला करें, पर एक जहाद हमें किस चीज़ का दर्द दे रहा है। अगर आर्मी चीफ साहब ये ऐलान कर दें कि हम जहाद के लिए तैयार हैं, तो मेरे जैसे लाखों करोड़ों नौजवान
फलस्तीन के लिए, कश्मीर के लिए मरने मिटने, इधर नवाज शरीफ चोर के लिए, इमरान खान के लिए, जरदारी के लिए अगर चोर मरने के लिए तैयार हैं तो हमारे मुसलमान भाई तकलीफ में हैं। आपको पता है पाकिस्तान तहरीक जहाद या तहरीक जहाद पाकिस्तान के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने अभी पाकिस्तान की फोर्सेज के ऊपर अटैक किया है, वो भी जहाद यानी जहाद के नाम पे हम किसी पे भी कुछ भी करते हैं ना। अब कोई इंडिया की राह की कोई फोर्स एजेंट उठ के इस तरह की शरारत डी आई खान में जो हुआ वाकया, हमारे 23-24 नौजवान जो शहादत हुई हम उनकी शहादत को सलाम पेश करते हैं, उनके लवाहेकीन से इजहार तस्दीक करते हैं। आपको पता है ना उस तंजीम का क्या नाम था? बिल्कुल मुझे पता, मगर काली बेड़े तो हर जगह मौजूद है ना। आप जहाद वाले जहाद की तंजीम में फसादी शामिल हो जाएं तो आप उसको जहाद कहेंगे तो मैं कहता हूँ इसको नहीं। बताएं देखे हारे की अपनी अपनी ओपिनियन है, इधर मजीद भी लोगों से बात करेंगे। मुझे आप ये बताइए आप किस हक में है, जंग होनी चाहिए कश्मीर की? बिल्कुल कश्मीर के मसले पर मोदी की टांगों के नीचे से जमीन निकालनी चाहिए। वैसे तो उन्होंने आर्टिकल 370 हटा के बेशक गुस्सा लगे लेकिन हमारी टांगों के नीचे से जमीन हटाई है। 370 ये जो भारतीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला मैंने सुना है, फैसला भी कहा कि ये ओके हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी उम्र छोटी है। मुझे ये बताइएगा पहले 3 जंगें लड़ी, जज्बा भी था किताब नहीं था? अल्हम्दुलिल्लाह है आज भी है। जी है ठीक है, तब तो हमारे साथ अमेरिका बहादुर भी मौजूद थे, तब हम ये 3 जंगें उस तरीके से कश्मीर के मामले में लड़ी नहीं जीत पाए या वो जो मकसद था। फिर आप एक काम करें ना, अगर हमने कश्मीर की जंग नहीं लड़नी, देखिए आपकी बात भी आ जाते हैं, अगर आप कहते हैं कि कौम का और हुक्मरानों का इस दिन हमने जंग नहीं लड़नी तो फिर बॉर्डर खोल दें, पाकिस्तान को हिंदुस्तान में जम कर दें, खत्म हो जाएगी बात, फिर तो लड़ाई खत्म हो जाती है। हमारा पाकिस्तान बनाने का मकसद ये था कि पता लगे हलाली कौन है और हरामी कौन है। हमारा फर्क जो यही खत्म किया ना हमने, ये जो फर्क तो नहीं था, ये था कि देखे ना जब हम कुफार के साथ लड़ रहे थे जो उधर मुसलमान रह गए वो तो इधर काफर भी रह रहे हैं, सिख भी मौजूद है, हिंदू भी मौजूद है, ईसाई भी मौजूद है, अकलियत की कम्युनिटी यहाँ पे मौजूद है। लड़ी किसके साथ जाती है? कुफर के साथ। नहीं नहीं नहीं, मतलब क्या सामान क्या चाहिए जंग के लिए? सामान ये है जो डॉक्टर कदीर साहब अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, हमें इतना बड़ा आइटम दे हमारे बाबा जी उनके पास भी है, हमारे तो चलाए ना भाई, ये किस लिए है? ये किसी शर्त का नुकसान होगा ना जान, जब कुरान कह रहा है जहाद फर्ज है, आप इंसानियत कहाँ से ले आए? अच्छा यानी इंसानियत पहले है या जहाद पहले? चले जहाद फर्ज है हमारे, इंसानियत पहले है या भाई? इंसानियत तो खत्म होगी ना, जहाद भी नफ्स यानी इंसानियत क्या? फिर इंसानियत के वो हकूक अलमदार कहाँ पे मरे हुए हैं जिनको फलस्तीन के 20,000 शोधा नजर नहीं आ रहे? वो बगारत की तरह मुझे इनका पता। उसके लिए तो हमें मुझे आवाज उठानी चाहिए आपको सबको, उसके लिए तो OIC जो इस्लामिक नहीं, इसका मतलब है हम लाहौर की मार रोड की सड़कों पे निकलें, इस्लामाबाद के डी चौक पे निकलें, प्राइम मिनिस्टर हमारे लिए बात सुने ना, नारे लगाएं, अनवारुल काकर साहब जो हमारे वजीर आजम साहब हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब और आर्मी चीफ साहब, ये सिर्फ आए हैं मजम्मत मजम्मत करके मुद्दत पूरी करें चले जाएँ, जैसे वो भाजपा भाग गया, मुशरफ चला गया दुनिया से, ज़िया उल हक़ साहब चले गए, भाई इन्होंने चले जाना है। अच्छा, हक की बात कौन करेगा? हम तो ये कह रहे हैं जबरदस्त नहीं, देखे हक की बात करनी चाहिए। अब वाइंड अप मैं इस तरीके से करता हूँ, हम यहाँ पे ये जज्बाती स्टेटमेंट दे देते हैं जंग और ये चीज़ें सब, अब दूसरी साइड इंडिया की बात करें, जब उनकी पब्लिक से बात करते हैं तो वो ये हंसते हैं हमारे ऊपर, वो कहते हैं इनके पास रोटी खाने को पैसे नहीं है, आटे के लिए पैसे नहीं है, पेट्रोल इनका डॉलर मैं बता रहा हूँ, और ये जंग की बात। अल्लाह आपको खुश रखे, ये बात सच है। सबसे बड़ा वो बेशरम है जो ये कहते हैं इनके पास रोटी के पैसे नहीं। आज इतवार का दिन है, छुट्टी का दिन है ना, मेरे समेत हर बंदा आज फारिग है, हमारा मंडी में कारोबार है फ्रूट मंडी में। अब आप लाहौर की किसी सड़क पे मेरे साथ चले, चले मेरे अभी चले सर्वे करें, इस कौम के पास सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है, गवर्नमेंट की डिफॉल्ट होने में आदत है ना, मेरी बात सुन लें, हम रोने की हमें शुरू से ही आदत है, बंदा ना शुक्र है अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करता, अल्लाह के हमें हुक्म है कि जिस हालात में भी रहें अल्लाह का शुक्र अदा करें, लेकिन बेहतरी की तरफ भी तो जाना। मैं बता, आप मीनार पाकिस्तान चलें, करोड़ों रुपए की आज वहाँ पे खरीदारी हो रही है, फजूल खर्ची, ये कारोबार जो चल रहा है, खरीदारी, शॉपिंग, शादियों का सीजन है भाई, कौम के पास सब कुछ मौजूद है। आपको पता है कि गुर्बत दिन बा दिन बढ़ती जा रही है पाकिस्तान में, उसका जवाब ये है कि इसकी शर्म तो हमारे हुक्मरानों को आनी चाहिए ना जो इसके जिम्मेदार हैं। ये देखें जो आए रोज खुदकुशियाँ हो रही हैं, कोई दरिया में बच्चे फेंक रहा है, कोई समुद्र में बहा रहा है, कोई ट्रेन के नीचे आ रहा है, कोई अपने आप को आग लगा रहा है, कोई बच्चों के गले काट रहा है, इसका जवाब तो ये काकर साहब और मोहसिन नकवी साहब दें ना, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर तो वो है, मैं तो है नहीं। दो चीज़ें मैं इधर जो लोग मौजूद हैं इनके समेत लोगों से पूछूंगा कि आज 2023 में लोगों के घरों में राशन होना ज़रूरी है, लोगों के बच्चों को जॉब मिलना ज़रूरी है, एजुकेशन मिलना ज़रूरी है, टेक्नोलॉजी मिलना ज़रूरी है पाकिस्तान में, लाहौर में, कराची में, सिंध में, बलूचिस्तान में, या फिर आज भी हम कश्मीर का नारा लगाएं और उसी नारे की वजह से अपने तल्लुकात नेबर से ख़राब करें? क्या एजुकेशन, जॉब, रोटी ज़रूरी है या कश्मीर? मुझे बता दें क्या एक कोई एक चीज़ रोटी जरूरी है या जॉब एजुकेशन जरूरी है या कश्मीर? कश्मीर कश्मीर आप क्या कहेंगे? कश्मीर आप क्या कहेंगे? रोटी
रोटी, आप क्या कहेंगे सर? रोटी जरूरी है, एजुकेशन तालीम जरूरी है, मेडिकल जरूरी है या कश्मीर? तालीम जरूरी है, तालीम 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 जरूरी है। अच्छा आप जिल्लत की जिंदगी से ना इज्जत की मौत अच्छी होती है, इससे मैं एग्री करता हूँ। रोटी कौन सी है? अच्छा। देखिए ये खा रहे ना रोटी, तो अभी नवाज शरीफ और ड्रामे बाद जो बाहर से आया है अभी लंदन में चल, इसका मतलब 76 साल से हम इज्जत की जिंदगी नहीं जी रहे। नहीं जी रहे भाई, जी रहे होते आज हमें जूतियाँ ना पड़ रही होती कश्मीर में और फलस्तीन में जो हो रहा है। अगर हम इज्जत की जिंदगी जी रहे होते तो आज इसका जवाब ये तो ना ना होता। पाकिस्तान के आइटम अगर तो किसी की शादी के लिए बना हुआ है, किसी प्राइम मिनिस्टर के बेटे की शादी पे चलाना ना, फिर हम कहते हैं ये तो बना उस काम के लिए, ये बना मुल्क के दिफा के लिए, इसको चलाएं चेक करें, ये ना हो इसको जंग लग जाए कल को हम चलाएं ये चले ही ना भाई। इसको ट्राई करें व्हाइट हाउस के ऊपर फेंकें, एक मोदी के घर में फेंकें, पता लगे कि हमारे पास ताकत है। उनके पास जो है वो डिफेंस की टेक्नोलॉजी मौजूद है व्हाइट हाउस में भी और इंडिया में भी, जब हम यहाँ से मिसाइल को लॉन्च करें। आप इस तरह करें ना मेरे जैसे एक पागल को वहाँ पर बिठा दें जहाँ पे आइटम पड़ा हुआ है, मेरे जैसे एक पागल को बिठा दें तो मैं ट्राई के तौर पर बटन दबा देता हूँ तो कहेंगे जनाब एक बंदा पागल था उसने ट्राई कर लिया, कोई बात नहीं। अगर मेरी जान देने से भाई नहीं, नहीं, नहीं होगा। मैं कहता हूँ मैं एटम चला दे, किसी की जरूरत नहीं है पाकिस्तान की तरफ देखे, मैं कह रहा हूँ ना। फिर आप यहाँ तो नारा तकबीर छोड़ दें, पाकिस्तान का मतलब क्या ला ले ला, ये फिर आप अल्लाह हम कहते हैं पाकिस्तान का मतलब क्या, मतलब आजकल वो मतलब नहीं ना रहा। फिर आजकल तो आते हैं वो लंदन से बेचारा आया है बेटी को साथ लेके कैंपेन चला रहे, एक अटक जेल में बंद पड़ा हुआ है, एक वो जरदारी ड्रामेबाज है। इन्होंने हमारे मुल्क का 76 साल से बेड़ा, खुदा रहा पूरी कौम से मेरी अपील है, खुदा की कसम ये मैं दिल से बात कर रहा हूँ, शाम का टाइम है ये मेरा पैगाम है, बंदे मर जाते हैं बातें याद रहती हैं। अच्छा। मेरा पैगाम बहैसियत मुसलमान और पाकिस्तानी होने के नाते ये एक ही पैगाम है पूरी कौम को, मुझे नहीं पता इधर कौन कौन सी पार्टी का बंदा मौजूद है। खुदा रहा आप अल्लाह और उसकी रसूल की रजा के लिए जो है ना अपने पाकिस्तान का मुस्तकबिल अगर आपने ठीक करना है तो आप किसी दीनदार बंदे को आगे ले आए। अगर कोई दीनदार नहीं आएगा यकीन माने 76 साल से जो जूतियां पड़ी हैं ना आगे जूतियां और पड़ेंगी। आपको पता है बांग्लादेशी सब हमारे से आगे है, बिल्कुल आगे है। जो जितने भी मजहबी जमाते उन्हें बोला है कि आप सियासत में नहीं आ सकते। मैं ये नहीं कहता मजहबी जमाते से मतलब जो साहब मैं खुद इस्लाम मुसलमान काम करे। आप सबसे पहले फजल रहमान को ना वो जो मरियम के साथ बैठता है सबसे पहले मेरा पैगाम है, मेरी बात जो मौलाना साहब हैं वो मस्जिद में मौजूद हो, जो सियासतदान है वो असेंबली में मौजूद हो, जो प्रोफेसर साहब हैं वो यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में मौजूद हो, जो आर्मी के लोग हैं वो बॉर्डर पे, मेरा मैं कह रहा हूँ अल्लाह आपको खुश रखे आपकी राय ठीक है। मैं कह रहा हूँ सबसे पहले मीडिया को ठीक करें, अब मीडिया किसी चोर की रैली तो उसको नजर आ जाती है, जियो को भी एक्सप्रेस को भी समा को नाम नहीं लेते। मैं वैसे बता रहा हूँ ना जर्नल तौर पर जो बड़े चैनल है हमारे उनको कोई हक के ऊपर निकला हो बाहर वो तो नजर नहीं आ रहा। ये ज़ात मीडिया नहीं ये पैसे वाली मीडिया दूसरी बात। मैं 100% एग्री करता हूँ, नहीं नहीं मैं 100% एग्री करता हूँ कि देखें पाकिस्तान को इस पोजीशन में पहुँचाने में, पाकिस्तानियों के दिलों में नफरतें डालने में और पाकिस्तान को एजुकेशन से दूर रखने में अगर किसी चीज़ का हाथ है तो मीडिया उसमें बहुत बड़ी जिम्मेदार है। हमें वो बताया नहीं जाता जो रियलिटी है, हमें वो दिखाया नहीं जाता जो इंटरनेशनल लेवल पर चल रहा है। अब आप मुझे बताएं 3 जंगें पहले लड़ ली उनका कोई फ़ायदा हुआ? और नफरतें हमने जो अमेरिका से नफरत नहीं, चाइना से उतनी नफरत नहीं, किसी से नफरत नहीं, इंडिया से नफरत। चले फिर आपकी बात का जवाब ये है, मोदी को जाती उम्र में बुला के 43 खाने जो खिलाए थे नवाज शरीफ ने, कितने खाने? 43 डिशे वहाँ पे मौजूद थी। तो फिर मोदी का बड़ा काम है ना कि वो आए। मेरी बात सुन लेना, मैं नॉन लीग की तरफ से जनरल काउंसलर रहा हूँ, UC 16 वार्ड नंबर 5 रावी रोड से मेरा तल्लक है, सब्जी मंडी मेरी रहायश है। नवाज शरीफ जब हम उस पार्टी में थे ना PML नून में, मैंने वो पार्टी क्यों छोड़ी कि इनकी बेशर्मी और बगैरतियां देख के कि ये आते हैं लूट से बाहर चले। पार्टी की नहीं बात करते नहीं, मैं बता रहा हूँ बात इंटरनेशनल लेवल पे बात कर रहे हैं कि आज हमें एजुकेशन की जरूरत है। मेरे भाई चाहे यहाँ पे जितने भी लोग हैं मेरी बात से डिसएग्री करें लेकिन मैं यही कहूँगा कि भाई हमें एजुकेशन की टेबल टॉक की जरूरत है और इन लोगों को समझाने की जरूरत है। इसमें इन लोगों का कसूर नहीं, कसूर मीडिया का है जिसने हमारे दिलों में नफरतें डाली, कसूर हमारे पॉलिटिशियंस का है। अच्छा जिन्होंने मुझे बताएं जज्बे से अगर हर चीज मिलती है तो 3 जंगे कर ली, जज्बा हमारे पास पहले भी था, वो कश्मीर क्यों नहीं मिला? मैं बता रहा हूँ कोई मोहल्ले में कोई बच्चा किसी को तंग कर रहा हो उसके बाप को जब शिकायत को लगाता है कि भाई इसको संभालो इसको समझा लो ये हमें तंग कर रहा है, उसका बाप एक मरतबा समझाता है उसके ओ यार मैं समझा दिया बस आप जाएं, दूसरी मरतबा भी समझा, तीसरी मरतबा तो हक बनता है ना बाप का डंडा पकड़ के उसकी मरम्मत करे। आपकी बात का जवाब है कि 3 जंगें जो हमने लड़ी हैं
उससे कोई फायदा नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। चौथी लड़ाई मैं वही कह रहा हूँ, अब इनकी मरम्मत की जरूरत आ गई है ना। पहली तीन जंगों में क्या उन्होंने मरम्मत भाई की थी, वो कतार थे ना। मारने के पहली तीन जंग आप देखे कारगिल के ऊपर क्या हुआ हमारे साथ, कितना फौजी हमारा शहीद हुआ, उसका कौन जिम्मेदार है। कल जो दिन गुजरा 16 दिसंबर आर्मी पब्लिक स्कूल, सबसे पहले मैं उन लवाहकीन से इजहार तजियत करता हूँ, वो जो हमारे मासूम फूलोजा से जो 140-150 बच्चे जो शहीद हुए, देखिए उनका क्या कसूर था। अब कोई पाकिस्तान की किसी मस्जिद में आके अटैक करता है, किसी मज़ार पे करता है, किसी मजलिस में करता है, तो वो कहे जी ये तो मुसलमान दहशतगर्द हैं। उस बेशरम को ये पूछें कि अगर मुसलमान दहशतगर्द है, जहाद तंजीमें जो हैं इंडिया कहता बकवास करता है या अमेरिका करता है, अगर मुसलमान दहशतगर्द है तो क्या वो अपनी मस्जिद अल्लाह के घर में धमाका करेगा? तो ये नहीं हो सकता। नहीं, इंडिया की मस्जिदों में क्यों नहीं अटैक होता, कोई एक बता दें कि भाई उसमें अटैक, उसमें हमला। मैं उसका जवाब दे रहा हूँ, हमारे मुल्क में फिरका वारियत जो है ना अरूज पे है। हाँ, ये देखे, ये बात मैं मानता हूं। फिरका वारियत में ना बहुत हम आगे हैं, पाकिस्तान खासतौर पर पूरी दुनिया में। इंडिया की कोशिश होती है, भारत की कोशिश यही होती है कि पाकिस्तान में हर उस जगह पर ब्लास्ट किया जाए, हर उस जगह पर दहशतगर्दी की जाए जहाँ पे दूसरे मसाले के ऊपर उंगली उठाने का हमें मौका मिले। जैसा कि दाता दरबार रहमतुल्लाह पे आपने देखा 13 बरस पहले।